हम बात कर रहे हैं गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको स्टॉक में जो 1% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 195 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया और हमको गिरावट दिखाई है। हम देख सकते हैं स्टॉक ने इससे पहले इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर हमको गिरावट दिखाई थी। 195-196 के लेवल से गिरावट दिखाई। 164 तक का फॉल। अगेन स्टॉक ने कंसोलिडेशन जोन के बाद बाउंस बैक किया है और लगातार हमको हायर आई पैटर्न के साथ 195-196 तक के टारगेट दिखाए। वहाँ से रिजेक्शन लिया है स्टॉक ने। क्यों रिजेक्शन लिया? क्योंकि हम देख सकते हैं जब गिरावट के बाद बाउंस बैक हुआ था तो इसी लेवल पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था 195-196 के लेवल से। और जब रिजेक्शन लिया था तो बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी। 164 तक का फॉल दिखाया था। तो अब ये लेवल बाउंस बैक कर रहा है, ब्रेक डाउन कर चुका था, बाउंस बैक कर रहा है, तो ये लेवल अब रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, नया 195 का लेवल। और स्टॉक ने उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। लेकिन इस रिजेक्शन के साथ एक बात नोटिस करो दोस्तों, इस रिजेक्शन के साथ स्टॉक ने जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है 188-190 का लेवल, उसी लेवल पर सपोर्ट लेके रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। यानी जिस लेवल को ब्रेकआउट किया उसको सपोर्ट बनाया आप। यहाँ से हमको बड़ा सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिला। जब 196 के लेवल से सेलिंग आई है तो क्या बड़ा सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है? नहीं। और सेकेंड थिंग, हम इसके चार्ट पैटर्न पर नज़र डालते हैं। इसका जो चार्ट पैटर्न है उस पर नज़र डाल रहे हैं। एक जंप के बाद गिरावट, अगेन बाउंस बैक, तो हाई ब्रेकआउट, अगेन गिरावट, अगेन जंप के बाद हाई ब्रेकआउट, अगेन गिरावट, अगेन जंप, हाई ब्रेकआउट। यहाँ से गिरावट आई है, स्टॉक बाउंस बैक करके अपने इस हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न हमको यहाँ हाई आर हाई देखने के लिए मिल रहा है। अब इमीडिएट सपोर्ट 188 का जो लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट का काम करा, इसको ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा 184 का लेवल। और तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 168 का लेवल, जहां से स्टॉक ने हमको लगातार तेज़ी दिखाई है 168 का लेवल। अब यहां से हम टारगेट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इमीडिएट टारगेट बनेगा जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है 195-196 का लेवल, इसको ब्रेकआउट दे गया तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 200 का लेवल। और 200 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 210 से लेके 220 तक के टारगेट हमको शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, मार्केट सिग्नल दे रहा है, ब्रेकआउट के ही चांस ज़्यादा बनते नज़र आ रहे हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।